हे एवरीवन, दिस इज़ उषा, उषा ब्लॉग योगा में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ तीसरा एपिसोड, जिसमें हम थायराइड के लिए एक और क्रिया करेंगे, सिंहासन। थायराइड ग्लैंड्स के लिए, थायराइड के लिए, थायराइड रोग के लिए ये सिंहासन बहुत ही लाभदायक आसन है। इससे भी स्वर तंत्रिकाएँ ठीक रहती हैं, आवाज़ में मधुरता आती है, आँख नाक कान स्वस्थ रहते हैं। इसलिए थायराइड के लिए ये बहुत ही लाभदायक है और सभी को करना चाहिए। इसको दो स्थितियों में हम बताएंगे। पहली स्थिति है पद्मासन लगाएं। कमर नीचे की ओर झुकी हुई, हथेलियां पृथ्वी पर, उंगलियों का रुख घुटने की ओर। पहले श्वास भरें, इसमें मूलबंध भी लगा सकते हैं, निष्कासन अंगों का संकोचन, और श्वास को बाहर निकालते हुए, जीभ बाहर निकालते हुए श्वास बाहर निकालें। और पेड़ों को पिचकाएं, थोड़ा सा पेड़ अंदर करें, फिर जीभ बाहर निकालते हुए मधुर स्वर में श्वास बाहर। पेड़ों को पिचकाएं, फिर श्वास भरें, मधुर स्वर में श्वास को बाहर निकालते हुए। पेड़ों को पिचकाएं, वापस आ जाएं और इसके प्रभाव को निहारें। थायराइड प्रभावित करने के लिए दूसरा पोज बताने जा रही हूँ। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो इस पोजीशन में आसन को करें। ये इस तरह से, और हाथ को पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें, कमर नीचे, गर्दन उठी हुई, जीभा बाहर निकालें, दृष्टि नासार्ग पर, और मधुर स्वर में श्वास को बाहर निकालें। साथ में पेड़ों को पिचकाना है। फिर दोबारा श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। गर्दन की हल्की सी मसाज करें, दाएं, बाएं और सेंटर में, और शांत हो विश्राम करें। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना अच्छा क्रिया कराई। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।